गाइज वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। सो गाइज आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू ड्रो रियलिस्टिक हेयर। तो आपको रियलिस्टिक हेयर बनाने के लिए पहले एक रफ आउटलाइन बना लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने एक रफ आउटलाइन बना लिए। उसके बाद आपको हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने, जैसे कि आप देख सकते हैं मैं किस तरह से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी स्ट्रोक्स लगाने। आप देख सकते हो कि कैसे मैं स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, तो उसी तरह से आपको स्ट्रोक्स लगाने। देखिए कैसे स्ट्रोक्स लग रहे हैं। पहले आपको एक रफ HB पेंसिल यूज़ करके ही स्ट्रोक्स लगाने। जैसा आप देख ही रहे हो मैं कैसे स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ, तो आपको पहले अच्छे से स्ट्रोक्स लगा लेने। स्ट्रोक्स लगाने के बाद आपको क्या करना है, उस स्ट्रोक्स को अच्छे से आपको थोड़ा और डार्क कर देना है। पहली बार आपने लाइट किया तो उसको आप डार्क कर सकते हैं, लेकिन याद रखना कि हेयर में आपको हमेशा पेंसिल शार्प करके ही रखनी होगी। और जो हाइलाइटेड एरिया उसको देख सकते हैं कि मैं थोड़ी जगह छोड़ रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको भी जगह छोड़नी है। वैसे तो अभी उसके बाद उसको अच्छे से ब्लेंड कर, जैसे कि आप देख सकते हो ब्लेंड जिस डायरेक्शन में हेयर उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेंड करना है। तो देख सकते हैं कैसे मैंने ब्लेंड कर दिया। ब्लेंड करने के बाद आपको देख सकते हैं कि अब आउटलाइन की 10B पेंसिल मैं यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी डार्क पेंसिल यूज़ कर सकते हो, 10B 8B, तो उसको यूज़ करके आपको पहले डार्क पोर्शन को अच्छे से डार्क कर देना है। जैसे कि आप देख ही सकते हैं हाइलाइटेड एरिया को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ग्रेफाइट पेंसिल से कर रहा हूँ। तो ग्रेफाइट पेंसिल में क्या है, जैसे कि आप देख ही सकते हैं कि ग्रेफाइट पेंसिल में फिर अच्छे से इरेज नहीं होता, तो फिर उसके लिए हमें पहले ही से थोड़ा सा स्पेस छोड़ना पड़ता है। तो आप देख रहे हो कि मैं डार्क पेंसिल को अच्छे से कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ये जो होती है वो बहुत हेयर ड्राइंग में बहुत ज़्यादा ये दिक्कत होती है कि वो पेंसिल बहुत जल्दी शार्प उसका ख़त्म हो जाता है। तो आपको शार्प अच्छे से करते रहना है। अगर शार्प नहीं करोगे तो फिर ड्राइंग उतनी रियलिस्टिक नहीं लगेगी। उसके बाद हेयर की डायरेक्शन में फिर से उसे अच्छे से ब्लेंड कर देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं कैसे ब्लेंड कर रहा हूँ। तो आपको ब्लेंड करने के बाद आपको जो फोरहेड पे हेयर आ रहे हैं उस हेयर को भी आपको ड्रॉ कर देना है, जैसा कि आप देख रहे हो। उसके बाद आपको हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट कर देना है, जैसे कि आप देख रहे हो मैं कैसे हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर से आपको अच्छे से हेयर की डायरेक्शन में स्ट्रोक्स लगाने। जैसे कि पहली बार में आपको थोड़ा बहुत सेटिस्फाइंग सा ना लगे तो आप करते रहो इसी मेथड को, बार बार स्ट्रोक्स लगाना, डार्क करते रहना, हाईलाइट को अच्छे से करते रहना, को अच्छे से हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करने से क्या होता है कि वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाता है और फिर जाके वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी लगता है। उसके बाद आपको इरेजर की मदद से मैंने हाईलाइट किया। आप देख सकते हो मैंने एक थोड़ा सा मतलब इरेजर को लिया और फिर जाके उसको अपनी जो सुई होती है उसमें घुसा दिया, जैसे कि आप देख ही सकते हो। उसके बाद उसको ब्लेंड कर देना, लेकिन हाईलाइटेड एरिया को आपको ब्लेंड नहीं कर। उसके बाद जो हेयर्स फोरहेड पे आ रहे हैं या फिर बाहर के हेयर से उन्हें आपको पहले ड्रॉ करना है। क्योंकि अगर आप उन्हें नहीं ड्रॉ करोगे तो फिर वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। तो रियलिस्टिक ड्रॉ करने के लिए पहले आपको बाहर के हेयर्स भी ड्रॉ करने ही होंगे, तो वो ड्रॉ करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए अभी मेरी लीड ब्रेक हो गई, तो कोई नहीं, फिर से हम शॉप कर लेंगे। तो देख सकते हैं मैंने कैसा किया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये वैसे तो हेयर ट्यूटोरियल है लेकिन इसमें मैं आपको फोरहेड भी कर देता हूँ, सिखा देता हूँ। क्योंकि आपको पहले फोरहेड भी सीख होना चाहिए। उसके बाद पहले आपको फर्स्ट लेयर चढ़ा लेनी है, उसके बाद उसे अच्छे से ब्लेंड कर लेना, हाइलाइटेड एरिया को हाईलाइट करना है, जैसा कि आप देख सकते हो मैं कैसे हाईलाइट कर रहा हूँ, और डार्क एरिया को अच्छे से डार्क, जैसे आप चिक्स को करते हो वैसे ही नॉर्मल। तो उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको जहाँ जहाँ सेटिस्फाइंग रिजल्ट जब तक ना मिले इस मतलब जो होता है इस स्टेप्स को बार बार रिपीट करते रहे। जैसे कि आप देख ही सकते हैं मैं कैसे रिपीट कर रहा हूँ, तो उसी स्टेप्स को आप बार बार। तो वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी बेकार है, उसके लिए सॉरी, लेकिन कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइटेड एरिया को अच्छे से हाईलाइट कर दिया और फिर जाके डार्क पोर्शन को डार्क। देखिए आपके पास कोई ब्लेंडिंग टूल नहीं, कोई बात नहीं, आप पेपर लीजिए, ठीक है, नॉर्मल पेपर लीजिए और फिर उससे ब्लेंड कर सकते हो, वो काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है और सबके पास अवेलेबल भी होता है। तो आप उस पेपर को ले सकते हो। देखिए कैसे मैं पेपर की यूज़ से ब्लेंड कर, क्योंकि जो ब्रश होता है अपना ब्रश उससे नहीं होता। तो आप लास्ट में फाइनल रिजल्ट देख के ही जाइए, तो आप देख सकते हैं कि फाइनल रिजल्ट कुछ ऐसा लग रहा है। तो
अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।